हेलो फ्रेंड्स, स्वरा स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है वैलेंटाइंस डे स्पेशल लव कुकीज़। और फ्रेंड्स, बिल्कुल तीन सामग्री का इस्तेमाल करके हमने ये बहुत ही खस्ता कुकीज़ बनाए हैं। बिल्कुल ये मुंह में घुल जाते हैं, मेल्टेड माउथ कुकीज़ है। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो चलो झट से शुरू करें। इन कुकीज़ को बनाने के लिए हमें बस तीन सामग्री की आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंपाउंड चॉकलेट लिया है, मैंने डार्क और मिल्क दोनों मिक्स लिया है। आप चाहो तो किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप दोनों को मेरे जैसे आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो। ये टोटल ग्राम्स में अगर आप देखोगे तो ये है 225 ग्राम। यहाँ पे हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, ये हमने ग्राम्स से नापा है, ये 40 ग्राम है, और 40 ग्राम ही हमने मैदा लिया है। यहाँ पे हमने एक बर्तन रखा है जिसमें हमने पानी डाला है। हमें जो हमारी चॉकलेट है उसे मेल्ट करनी है। हम डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब ये जो चॉकलेट का बोल है हम इस पे रख देंगे, और गैस की जो आँच है हम धीमी रखेंगे, और इसे हम लगातार चलाएँगे जब तक कि हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो। चॉकलेट हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसे अब हम हटाएंगे। इन कुकीज़ को हम इस बड़ी सी कढ़ाई में बेक करेंगे। तो अंदर मैंने एक रिंग रखी है और इसे हम ढक देंगे। ढक के हम इसे प्रीहीट कर लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इस मेल्टेड चॉकलेट में हम डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर और मैदा, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ये तीन चीज़ें, और बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा ये जो बैटर है, कुकी का जो डो है, मिश्रण, वो रेडी है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, बिल्कुल जो गनाश होता है उसी की तरह इसकी कंसिस्टेंसी है। आप चाहो तो आप डायरेक्ट स्पून से कुछ इस तरह से आप ड्रॉप कर सकते हो कुकीज़, या आप पाइपिंग बैग में भर के कुकीज़ को शेप दे सकते हो। फ्रेंड्स, आज हम पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टार नोज़ल डाला है, तो अब हम इस डो को पाइपिंग बैग में डाल देंगे। यहाँ पे हमने एक केक टिन लिया है जिसमें मैंने एक पार्चमेंट पेपर डाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम कुकीज़ बनाएंगे, पाइप करेंगे हम। अगर आपको लगे कि आपका ये जो डो है पाइप नहीं हो रहा है या बहुत ही टाइट हो रहा है, तो आप इस डो को आप दोबारा आप डबल बॉयलर में आप गर्म कर सकते हो। फ्रेंड्स, क्योंकि हम वैलेंटाइंस डे के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैं हार्ट शेप की कुकीज़ बना रही हूँ। हमने ये कुकीज़ बना लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप स्पून से भी इन्हें ड्रॉप कर सकते हो अनइवन शेप में, या हाथ में थोड़ा सा आप लेके आप इन्हें बॉल्स बना के भी आप इन्हें रख सकते हो। कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से प्रीहीट हो गई है, तो ये जो टिन है हम अंदर रख देंगे और इसे हम अच्छे से बेक कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आँच पे। 20 मिनट हो गए हैं, 20 से 22 मिनट, तो एक बार हम इसे ओपन करके देख लेंगे। फ्रेंड्स, कुकीज़ जो है हमारी हार्ड हो गई है थोड़ी सी, तो ये बेक हो गई है। फ्रेंड्स, हल्की सॉफ्ट है लेकिन ये बेक हो गई है, तो गैस को हम बंद कर देंगे। जैसे ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, ये अच्छे से हार्ड और क्रिस्पी बन जाएंगी, तो इन्हें हम बंद कर देंगे और इस टिन को हम बाहर निकालेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना इन्हें अनमोल्ड करने के लिए या इन्हें निकालने के लिए। आप इन्हें जब ये गर्म होती है बिल्कुल भी टच ना करें, वरना ये क्रम्बल हो सकती है। तो इन्हें हम अच्छे से 1 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे, फिर मैं आपको इनका टेक्सचर बताती हूँ। हमारे ये जो लव कुकीज़ है ठंडे हो गए हैं, और जैसे ये ठंडे हो जाते हैं ये इजीली पेपर से निकल जाते हैं। इसका बैक साइड आप टेक्सचर देख सकते हो फ्रेंड्स इसका, और बिल्कुल क्रिस्पी भी बन गए हैं, खस्ता हो गए हैं, अभी हम आराम से इन्हें पकड़ पा रहे हैं। तो आपको एक बात का ध्यान देना है, जब ये गर्म होते हैं 20 मिनट ही हमें इन्हें बेक करना है, और 20 मिनट के बाद जब हम इन्हें निकालेंगे वो सॉफ्ट होते हैं, पर बिल्कुल भी इन्हें टच नहीं करना है आपको। तो इन्हें अब हम सर्व करेंगे।
फ्रेंड्स, हमारी ये लव कुकीज़ बनके तैयार है और इसका टेक्सचर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाते हैं बिना ओवन के हमने इन्हें बनाया है। और सिर्फ 3 सामग्री का इस्तेमाल करके हमने ये रेसिपी बनाई है। तो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। रेसिपी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।